हेलो, मैं डॉक्टर स्काई और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कीटोजेनिक डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग का हेयर लॉस के साथ क्या कनेक्शन है। अमूनन ये देखा जाता है कि जब भी लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए जाते हैं, कीटोजेनिक डाइट फॉलो करते हैं, इस सिचुएशंस में उनका हेयर लॉस होता है, उनकी थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है और उनको कोल्ड काफ़ी ज़्यादा फील होता है। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और क्या करेक्ट वे है कि ये तीनों चीज़ें आपके साथ ना हो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। तो विटामिन ए थायराइड ग्लैंड के रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH सिक्रीट करता है, जो थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जो थायराइड ग्लैंड की साइज और थायराइड ग्लैंड के हार्मोनल सिक्रीशंस के ऊपर फुल्ली कंट्रोल रखता है। अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से थायराइड ग्लैंड के अंदर वो रिसेप्टर्स अनअवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से TSH थायराइड के साथ कनेक्शन नहीं कर पाता है, तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के फॉर्म में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड और ज़्यादा थायराइड यानी स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से हमें कोल्ड ज़्यादा लगता है, हमारा थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है और हम लोग हेयर लॉस ज़्यादा नोटिस करते हैं। विटामिन ए जो है लीवर, एग, बटर, फिश ऑयल एंड ग्रीन वेजिटेबल्स में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं कि आइदर आपका कंज्यूमशंस नहीं हो रहा है विटामिन ए का, या फिर अगर आप विटामिन ए का कंज्यूमशन बराबर कर रहे हैं उसके बाद भी विटामिन ए डिप्सिट है, ऐसे कंडीशंस में मे बी आपका फैटी लीवर हो सकता है, आपके गाल ब्लैडर में सूजन हो सकती है, आपका गाल ब्लैडर अवेलेबल हो सकता है, गैस्ट्रिक बाईपास हो सकता है, इंटेस्टाइनल स्कार हो सकता है, IBS हो सकता है, जिसकी वजह से आपका इंटेस्टाइन बराबर करके विटामिन ए को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इन दोनों सिचुएशंस में विटामिन ए डिप्सिट होता है, जिसकी वजह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कनेक्ट नहीं कर पाता थायराइड के साथ और ये सारी चीज़ें नोटिस करने को मिलती हैं। तो अगर आप कीटोजेनिक डाइट फॉलो कर रहे हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो मेक श्योर कि आप विटामिन ए प्रचुर मात्रा में लें। एंड इसके साथ साथ लो लेवल ऑफ जिंक एक अदर कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से थायराइड इशू आते हैं। जो लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं उनके अंदर जिंक डिफिशियंसिस के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो मेक श्योर अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए जा रहे हैं तो आप जिंक और विटामिन ए करेक्ट वे में लें, जिससे आप हेयर लॉस से इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटोजेनिक डाइट प्लान फॉलो करते करते बच सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।